भजन गाया जाता है भगवान के चरणों में और वंदना रखी जाती है जो भगवान से भी बड़े होते हैं, माता और पिता। तो जितने भी मेरे हम उम्र नौजवान साथी यहाँ पर बैठे हैं, सभी से निवेदन करूँगा कि कभी भी अपने माँ बाप का दिल ना दुखाना। मेरे मम्मी पापा भी मुझे डांटते हैं, मारते हैं, सबके मारते हैं, पर उनकी डांट में कहीं ना कहीं थोड़ा नहीं बहुत सारा प्यार छुपा होता है। तो इसीलिए अपने हम उम्र साथियों को समझाना चाहूंगा, बड़ों को तो मैं क्या समझाऊंगा, मैं तो उनके चरणों के धूल भी नहीं। एक बात आकाश जी मैं कहना चाहूंगा जो आप बिल्कुल भाई, क्यों अपने माँ बाप से करता तू प्यार नहीं, वाह भाई, और क्यों देता उनका बुढ़ापे में साथ नहीं। क्या बात है भाई, माँ बाप की कौन से पूछिए जिनके सर पे हाथ माँ बाप का नहीं। क्या बात है, बिल्कुल सच्ची बात मेरे भाई ने कहा। तो आदरणीय सभी मेरे बुजुर्ग नौजवान साथी, आवाज को सुनती बात सकती माताएं बहने, आप सभी के चरणों में पहले से ही सर को झुकाकर माफी चाहता हूं, क्योंकि इस भजन में मैं बहुत भावुक हो जाता हूं, कहीं ना कहीं मिस्टेक जरूर होगी, मेरी आवाज भी मिस मारती है इस गाने में। तो आइए गाने की कोशिश करता हूं, आप सभी साथ दे दो। माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है जिसने माँ की कदर ना जानी। वाह क्या बात, मेरे साथ सभी गाते हुए चलेंगे इस तरह से बोला, माँ बाप की इस कलयुग में किस तरह कटे जिंदगानी, वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जाने, वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जाने। भजन की पांच लाइन गाई, किस किस को अच्छी लगी और किस किस को समझ में आई, क्या बात। तो मेरे भाइयों एक सच्ची घटना बता रहा हूं, सन 2007 की है। आदरणीय मेरे बड़े भाई बैठे हैं,
हरियाणा से ही है। हरियाणा का ही एक किस्सा बताता हूँ, और अभी कुछ दिन पहले गुरुजी हमारे मुरादनगर में भी वो एक कांड हुआ है। एक घर में एक बच्चे का जन्म होता है। बच्चे के जन्म के बाद कुछ महीने या एक साल बाद उसके पिता का देहांत हो जाता है। देहांत के बाद उसकी मां ने उसे दूसरों के झूठे बर्तन साफ करके कपड़े सिल कर ना जाने कैसे कैसे अपने बेटे को पाला है। और वो कमबख्त बेटा जब शादी के लायक हो गया, पढ़ लिख लिया, दिल्ली आ गया कमाने, अपनी पसंद से शादी कर ली, अपनी माँ को भी नहीं बताया। बहुत दिन बाद बताया, माँ को तार भेजा, तार पत्र, क्योंकि माँ के पास फोन नहीं था। उसमें लिख दिया कि माँ मैंने शादी कर ली है और मैंने यहाँ पे मकान भी खरीद लिया है दिल्ली में। तो सोचती थी कि माँ तेरा बेटा नाकारा निकलेगा, मैंने दिल्ली में मकान खरीद लिया है। माँ दिल्ली में मकान खरीदना आसान बात नहीं है, और ये सच्ची बात है। और ये भी लिख दिया कि माँ मैं कुछ दिन बाद आऊंगा और तुझे अपने साथ लेकर जाऊंगा। वो बेटा अपनी माँ के पास गया, अपनी धर्म पत्नी को नहीं ले गया, अपनी माँ से बोला कि माँ ये जो तेरा मकान है, कोई छोटा सा मकान था उसमें बुढ़िया रहती थी, कि इसका अब हम क्या करेंगे। बेग दे से पहले ही सौदा करके आया था, माँ को मना लिया, माँ मान गई, क्योंकि माँ माँ होती है, माँ के सिर्फ एक बेटा था। माँ ने सोचा कि मेरा बेटा मेरी सेवा करेगा, और अपनी माँ का वो पहले ही सौदा करके आया था। जिस तरह से प्लॉट का सौदा कर लिया, घर का सौदा कर लिया, घर बेच दिया, अपनी माँ को लेके आया दिल्ली एयरपोर्ट पे, और वहां पे बिठा दिया कि माँ तू बैठ, मैं टिकट लेके आता हूँ तेरे लिए। माँ बैठी रही एक घंटा दो घंटा, शाम हो गई, माँ ने पूछा कि क्या तुम राहगीरों से क्या तुमने मेरे बेटे को देखा है, सबने मना कर दिया। तभी जब रात हुई वो सौदागर आया, और सौदागर नहीं मैं तो कसाई कहूंगा, कसाई ये नहीं होते जो गाय भैंस को काटते हैं, कसाई तो वो होते हैं जो इंसानों को काटते हैं और उनसे कमवाते हैं। उस कसाई ने उसकी माँ का एक पैर और एक हाथ काट दिया, और ना उसकी दवाई कराई, और उसे एक चौराहे पर छोड़ दिया भीख मांगने के लिए। सुबह से शाम तक जो भी इकट्ठा होता वो व्यापारी ले जाता, और अपनी माँ से उसकी माँ से सब कुछ ले जाता, और बदले में दो रोटी देता रूखी सूखी, ना सब्जी है ना कुछ है। अगर किसी ने कुछ खाने के लिए दे दिया तो उस कसाई ने यह पाबंदी लगा रखी थी कि किसी से खाना नहीं लेना है, सिर्फ पैसा लेना है, क्योंकि उसे पैसे से प्यार था। वक्त की बात है भक्तों, कुछ ही दिन बाद उस बेटे के एक्सीडेंट में दोनों पैर कट गए, और जहां पर उसकी माँ भीख मांग रही थी वहीं एम्बुलेंस के दोनों टायर फट गए। वो माँ भीख मांगती मांगती आई, बेटा मुझे कुछ दे दो। उसके साथ जो थे उन्होंने पहचान लिया, अरे ये तो इसकी माँ है। उसके दुख को भूल गए, उसकी माँ से पूछा कि माँ तू बता तू यहाँ कैसे। उसने अपना सारा हाल बताया कि बेटा मुझे तो मेरे बेटे ने ऐसे ऐसे फेंक दिया, फेंकने के बाद मैं आज यहाँ पे भीख मांग रही हूँ, बदले में एक या दो रूखी सूखी रोटी खाती हूँ। तभी एक ने बताया कि बूढ़ी इस एम्बुलेंस में तेरा ही बेटा है, और उसके दोनों पैर कटे हुए हैं। माँ आखिर माँ होती है, अपने दर्द को भूल गई और अपने बेटे से जाके गले लग गई, बोली बेटा ये क्या हुआ। न्यूज रिपोर्टर आ गए, वहां पे बहुत हंगामा हुआ। आज वो बेटा तिहाड़ जेल में है। सबने बताया कि ऐसे ऐसे इसने अपनी माँ को बेच दिया है। तो भक्तों मैं अपने हम उम्र साथियों से सभी से निवेदन करूंगा, कभी अपनी माँ को या बाप को दुख मत देना। आइए किस तरह से बोला, हाँ? करके मेहनत मजदूरी, करके मेहनत मजदूरी, मुश्किल से तुझको पाला, मुश्किल से तुझको पाला, तू क्या जाने बेदर्दी मन कितना सहा कसाला, तू क्या जाने बेदर्दी तू बन बैठा मतवाला, तू बन बैठा मतवाला, तू बन बैठा मतवाला।
तुझे जवानी वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जानी बहुत बहुत धन्यवाद कदर न जाने वो बेटा क्या बेटा है जन्मा की कदर न जाने जिसने तुझे बड़ा किया है जिसने तुझे बड़ा किया है अब उनको आंख दिखाता अब उनको आंख दिखाता उन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी को तरसाता उन बूढ़े माँ बापों को एक रोटी को तरसाता मेरे भाइयों कभी अपने माँ बाप को दुख ना देना माँ ममता मई होती है और पिता भी पिता कभी जाहिर नहीं करता मेरे पिता भी ऐसे ही हैं या कभी मैं गलती कर देता था अब तो खैर बहुत दिन हो गए मेरे चाचा जी और चाची जी जानते हैं मुझे बाहर मुर्गा बना के मारते थे पर उनके दिल में कितना प्यार है ये मैं जानता हूँ या मेरे पिताजी जानते हैं अगर कोई भी बेटा अपनी माँ से कहे कि माँ मुझे ये चीज चाहिए तो माँ तो लाके नहीं दे सकती माँ उसके पिता से कहेगी कि बेटे ने ये फरमाइश की है या कोई बेटा अपने दोस्तों के साथ घूमता है और कोई उसका दोस्त उसे ताने मार देता है कि चिंटू तेरे जूते तो एडिडास के गोना ना तेरे कपड़े ब्रांडेड हैं तो वो सुनकर अपने दिल पर जोर लेकर अपनी माँ से बोलेगा फिर माँ उसके बाप से बोलेगी उसका बाप तर्जा करके अपने बेटे के लिए ब्रांडेड सूट ब्रांडेड क्लोथ कपड़े सब कुछ लाके देगा तो इसीलिए कहता हूँ कि माँ बाप का कर्जा कौन कौन चुका सकता है मुझे तो नहीं लगता कोई चुका सकता है तो मेरे साथ गाइए भला माँ बाप का कर्जा दे माँ बाप का कर्जा दे आंख दे चुकाया जा माँ बाप का कर्जा दे तू उनको भूल गया तू उनको भूल गया उन पे न भुलाया जा माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा
आजकल के बेटे कैसे हो गए हैं, बेस कम करो। बाप ने तो कर्जा लाकर अपने बेटे को सूट बूट पहना दिए, बेटा को जेंटलमैन बना दिया, सब जगह उसकी वाहवाही हो रही है। और वो बेटा के बाप का जिक्र करूं, के बाप का जिक्र करूं, के बाप का जिक्र करूं, तेरे लिए दिया कर्जा, के बाप का जिक्र करूं, तेरे लिए दिया कर्जा। टाइम आया, जब टाइम आया, टाइम आया तारन का, तू बचना ते फिर क्या। आया तारन का तू बचना ते फिर क्या, तू जी लेगा उन पे, हम सब जी लेंगे अपने माँ बाप के बिना। तू जी लेगा उन पे ना, वक्त बिताया जा, माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा, माँ बाप का कर्जा दे ना कदे चुकाया जा, बाप का कर्जा दे ना कभी चुकाया जा। रोटी और मुझ पे गाया नहीं जाएगा। अंत में एक ही लाइन कहूंगा, हो किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार। हमको फूलों के बदले, हमको फूलों के बदले कांटों के हार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार के बदले प्यार, किस्मत वालों को मिलता है प्यार।